मैंने कहा बहुत हम बात करते हैं इंडियन रेलवे के बारे में, तो रेलवे में काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। और आरआरबी एनटीपीसी की बात करें रिजल्ट की, 2023 का जो प्रोविजनल रिजल्ट है और कट ऑफ जो उसकी है उसकी रिलीज़ कर दी गई है, क्योंकि तो कुछ कम नहीं है। और बहुत सारे वैकेंसी जो आरआरबी की जो है जो रुकी हुई थी वो सारे के सारे वैकेंसियाँ अब आने वाली हैं। ठीक है, तो जैसे कि देख सकते न्यू दिल्ली का रेलवे डिपार्टमेंट बोर्ड ने अभी रिलीज़ किया है कट ऑफ आरआरबी की, जो फंसा हुआ था आपका, तो कट ऑफ उसका रिजल्ट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rrbbs.gov.in पे है, चेक कर सकते हैं। एनटीपीसी भी देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो वहाँ पे रिजल्ट होकर आपका कट ऑफ जो वहाँ पर रिलीज़ कर दिया गया, देखें और जल्द ही मेरी भी आ जाएगी। तो आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, कितने लोगों ने दिया था, कितना एग्ज़ाम हुआ था, सब कुछ बताने वाला हूँ। और उसके रिगार्डिंग वैकेंसी भी बहुत सारी आने वाली है 2023 में, बस इसी महीने में नवंबर में या दिसंबर में बम्पर वैकेंसी आने वाली भाई, मतलब बता नहीं सकता मैं कितनी ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। आप लोग लूट लो, मतलब एकदम लूट लो वैकेंसी, अरे रेलवे में भर्ती हो जाओ, बस ये मेरी दुआ है। नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है भाई, मौज वाली नौकरी है, पैसा दबा के एकदम करो भाई। रेलवे में कौन नहीं करना चाहता नौकरी, रेलवे में नौकरी ऐसी है कि हर आदमी करना चाहता है। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन होता है इसका, टोटल वैकेंसी कितनी आने वाली है 35,281 और नंबर एप्लीकेंट कितने 1,25,88,524 अप्रॉक्सीमेटली 1.20 करोड़ एक हर साल भरते हैं इतने, और वैकेंसी 35,000-40,000 इतनी आती है वैकेंसी, उतनी वैकेंसी भी कम नहीं होती, कहीं ना कहीं आप सिलेक्ट हो जाएंगे, कहीं ना कहीं घुस जाएंगे। एग्ज़ाम फीस की बात करें तो 500 रुपये लगता है आपका SC ST हो, नहीं जनरल PWD के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, और 250 रुपये लगता है वही OBC SC ST वन के लिए, और 90 मिनट का पेपर तो मैं 1.5 घंटे का। CBT 1 होता है आपका जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, वही 100 नंबर का होगा। CBT 2 में आपका होता है जनरल क्वेश्चन होते हैं अवेयरनेस के, मैथमेटिक्स एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, वही इसमें भी होता है, मतलब CBT 1 और CBT 2। तो CBT 1 जो होता है आपका 100 नंबर का होता है, CBT 2 आपका होता है 120 नंबर का। ये रेलवे NTPC होता है, नेशनल टैलेंट जैसे ही एग्ज़ाम है, बहुत तगड़ा गया है, मतलब पैसा दबा के इतना पैसा है कि पूछो मत, बच्चे भाई घुस जाओ तुम, चाहे कौन विभाग हो, सरकारी होना चाहिए, बस रेलवे हो, SSC हो, कौन विभाग मिले, बस घुसो नौकरी करो दबा के।